गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हेलो 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 यस सर। हेलो यस सर। ये कौन सर? बाजवा कौन है? बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट भी करते अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ। जो जो ज्वाइन कर चुका है बच्चे, विद इन 2 मिनट्स हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है बच्चे? वाइट। यस सर। ओके, 1 मिनट और वेट करते हैं हम और पार्टिसिपेंट्स की, और मीनवाइल आप अटेंडेंस कर लो। कोई बच्चे लास्ट किसी का डाउट रह गया हो तो वो पूछ सकता है। सर एक सम है। हाँ जी हाँ जी। सर सी एक्सरसाइज का है। सी एक्सरसाइज का है, कौन सा सम बच्चे? सिक्स सम फर्स्ट पार्ट। ओके, क्या है बोलो। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कॉमा 3x इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है ठीक है, तो इसको आप करके देखते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। ओके, क्वेश्चन बोला था आपने, एक सेकेंड, एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हाँ जी कॉमा 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है बिल्कुल। इसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना मींस कि हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। यस सर। ओके सो बच्चे, सबसे पहले तो कॉमे का मतलब क्या होता है? एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलूं, अगर मेरा एक्स स्क्वायर जो है 25 है, ठीक, तो मेरा एक्स क्या आएगा बच्चे? काजल डोंट डू इट। -5/5 एक तो प्लस आएगा, एक माइनस आएगा 5, राइट? तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग
एक्स की वैल्यू प्लस माइनस फाइव है कि काजल डोंट डोंट डू इट बच्चे रिमूव इट. ओके सेकंड इक्वेशन इज 3x इज इक्वल टू 6. तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 6 2 6 बाय 3 6 बाय 3 दैट इज 2. अब कोई x का एलिमेंट ऐसा है इसके अकॉर्डिंग है कि x आएगा या तो 5 आएगा या माइनस 5 आएगा. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x 2 ही आएगा. तो कोई भी ऐसा x नहीं है जो 2 भी हो साथ साथ और साथ साथ 5 भी हो, है ना? Yes, sir. तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा. Yes, sir. ठीक, दोनों इक्वेशंस को साथ साथ सेटिस्फाई नहीं किया जा नहीं सकता. तो जो ये सेट है इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब या तो ये खाली है या आप फाइव से रिप्रेजेंट करोगे. और जो सेट खाली है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? मान लो ये सेट ए है, ठीक, तो इसकी कार्डिनलिटी को ऐसे लिखते हैं ना हम एन ए, या दो ऐसे ऐसे लिख देते हैं. Yes, sir. तो कार्डिनलिटी खाली सेट की क्या होती है? खाली सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो जीरो होती है. जीरो होती है. Yes, sir. ठीक है. ओके सर. ओके दैट वाज द आंसर. यस यस सर. ओके सो आगे बढ़े कि किसी और का भी कोई डाउट है? दैट्स वेरी गुड कि आप एक्सरसाइज. हाँ जी बोलो. सर इसने पूछा है कि ये सेट एम्प्टी है कि नहीं, इसकी ए इज इक्वल टू, एक सेकंड, ए इज इक्वल टू एक्स सबट्रैक्ट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट. एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट. एट एंड टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. इज इक्वल टू जीरो. इज इक्वल टू जीरो. जीरो. ओके इज द सेट इज एम्प्टी जस्टिफाई. ओके पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो सिंपल है. इसमें 2x plus 3 is equal to 0 है, ठीक. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू माइनस 3 बाई 2. अब देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आती है कि नहीं. तो इक्वल्स टू 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब और इधर ले जाके 8 आ गया, माइनस में आ गया. अब एक फॉर्मूला बच्चे होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपके पास, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपके पास एक फॉर्मूला होता है. 8 को मैं 2 के क्यूब लिख सकता हूँ ना. यस सर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है. yes, yes, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है. तो इसके सेम मैं इसका जाऊँ तो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यही आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से yes. इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 आएगी या फिर ये 0 करना होगा. अब इसको सॉल्व करने का वे होता है, ठीक है, अगली स्लाइड पे देखें, वो इसी पे देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी. फिर एक फॉर्मूला होता है बच्चे, इसके रूट नहीं बनते. आपने मेरे को रूट बनाने सिखाए थे ना आपको, इसके रूट प्रॉपरली नहीं बनेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सॉल्व करने का एक वे होता है. लेट्स से दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर आपकी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो आती है आपकी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a.
तो आपने बी यहाँ से उठाना है जो भी एक्स के साथ है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी क्या है, टू है, ए क्या है, वन है, सी क्या है, फोर है, तो आप उसको यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। आई कोई वैल्यू आपकी यहाँ पे? इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी, मेरे को वैल्यू बताओ। -2 + -, फोर माइनस सिक्स 16। और -16 डिवाइड बाय 2a, दैट्स 2। और टू टू ठीक है, तो इसको सॉल्व आगे अगर हम करते हैं, लेट सपोज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये देखो -2 यहीं तक छोड़ देना, अंडर रूट -12। ये बच्चे किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ना, ये जो है, नीचे भी 2 होगा, ठीक, ये जो है किसी भी हालत में आपका ये इसके बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई यस एलिमेंट सर। है ही नहीं है जो इन दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं और ये सेट एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल एम्प्टी सेट है। ठीक है। यस हाँ जी यस सर। सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस द एंटायर क्लास, अगर आपके डाउट्स नहीं है ना फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, एक जो बुक है जो सभी ने परचेज की है एंड आपको उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इट्स अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, शर्मा पब्लिकेशन की बच्चे बुक है ये, डीआर शर्मा की। इसको आप परचेज करो, ठीक, या आप कहीं से इसको लो। सेकेंडली, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और अगर आपका ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ऐसा लेक्चर है तो डोंट यू वरी, हम मंडे को, स्पेशली मंडे को एक क्लास लगाएंगे, नॉट दिस मंडे, द नेक्स्ट मंडे, ठीक है, स्पेशली मंडे को वो क्लास हम एक लगाएंगे जिसमें आपके जो पीछे रह गया होगा वो हम शुरू से मैं बेसिक आपको करवाऊंगा और थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ भी लग जाए और सारा का सारा पिछला कवर भी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में, ठीक। और जितनी भी चीज़ें होंगी जो पीछे से रिलेटेड होंगी वो मैं साथ साथ करवाता भी जाऊंगा धीरे धीरे आपको। आज मैं जो भी करवाता हूँ रोज डेली बेसिस पे, उसमें कुछ भी ऐसा होगा जो पीछे रिलेटेड होगा वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, यस सर। ठीक है, सभी को, जिनका फर्स्ट लेक्चर भी है, जिनका सेकंड लेक्चर भी है, सभी को वो समझ आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप उसी टाइम खुद को अनम्यूट करो और मेरे को बोलो यहाँ से सर पता नहीं लगा है, ठीक। जो भी चीज पीछे करवाई जा चुकी है और वो यूज हो रही है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा साथ में, राइट। और कोशिश किया करो आप जब ये लॉग इन करते हो, साइन इन करते हो ना यहाँ पे, तो अपने नाम के साथ किया करो, रेडमी ओप्पो ऐसे नाम के साथ ना साइन इन किया करो, इधर यूज योर रूल नंबर और योर नेम। सो नाउ आगे मूव करते हैं, पहले मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज, यहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, कोई भी इक्वेशन ना इस फॉर्म की होती है अगर, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। साइन का बड़ा ध्यान रखना, साइन जरूरी होते हैं। हाँ तो जी हाँ जैसे जी कि थोड़ा सा सपोज अगर ऐसे आता 2x² - 6x - 3, लेट से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू क्या है, साइन के साथ -6, ठीक है बच्चे। जो डिस्टरबेंस आ रही है ना वो म्यूट कर लो खुद को एक, और सी की वैल्यू क्या होगी, -3। हम कई बार गलती से सिर्फ 3 ले लेते हैं या सिर्फ 6 ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट टर्म,
और फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय 2a। और एक मैं और चीज बताता हूँ, अगर आपका अंडर रूट में ना माइनस 12 आ जाता है, जैसे पिछला हमारा आया था ना माइनस 12 ही आया था, तो इसको बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आप साइन हटा दो और बाहर एक आई लगा दो, इस आई का मतलब होता है आयोटा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको पता है, जिनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ कि इन माइनस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 और अंडर रूट माइनस 1 है ना, 12 गुना 1 12 और माइनस का साइन माइनस 12, वापिस वही बन गया ना। तो अंडर रूट 12 तो देखो ऐसे ही लिख दिया, और ये जो माइनस 1 का स्क्वेयर रूट होता है ना इसको बोलते हैं अयोटा, ठीक है, इसको बोलते हैं अयोटा, इमेजिनरी नंबर होता है ये, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आगे करें। ओके, सो नाउ मैं आपको एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूँ कि हमने जिन्होंने नई लेक्चर अटेंड किया है, हमने 5 ऑपरेशंस टोटल किए हैं हमारे सेट के, उनमें है एक यूनियन, एक है इंटरसेक्शन, एक है कॉम्प्लीमेंट और चौथा है आपका सेट डिफरेंस माइनस बोलते हैं जिसको, और एक डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। 5 ऑपरेशन है, जैसे आपके नॉर्मल मैथ में मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलर डिवीजन प्लस माइनस होता है ना, वैसे ही ये सेट के ऑपरेशन हैं। तो अब जो बेसिक सबसे पहली चीज मैं बोलता हूँ आपको, लेट से मैंने सेट में करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जैसे आपका मैथ में क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ एक्स प्लस या एक्स प्लस वाई लेना लेके हम ऐसा कुछ करते हैं, 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो कैसे होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 है ना, उसका रिजल्ट आता है 28, बाकी का हम ऐसे ही लिखते हैं, और फिर 2 + 28 करते हैं और 30 आता है। तो इसमें दो चीजें अब समझने वाली हैं, पहली चीज ये कि पहले आपने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस एक टॉपिक है जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है, हम एक हायरार्की बना देते हैं कि पहले ये वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा, फिर ये वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा, फिर ये वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा, जैसे मैथ में आपने बॉड बास बनाया हुआ था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑर्डर सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक। तो उससे पता लगता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली बच्चे जो हमारे ये सेट के ऑपरेशंस हैं, इनकी भी प्रेसिडेंस है, सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं ब्रैकेट को ही ऑब्वियसली, सेकेंडली हम कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करते हैं, ब्रैकेट खत्म हो गई सॉल्व हो गई, फिर हम कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया उसके बाद हम इंटरसेक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिर हम यूनियन को परफॉर्म करते हैं, फिर सेट डिफरेंस को परफॉर्म करते हैं, और फिर लास्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। अब दूसरी चीज, ये चीज बच्चे प्रेसिडेंस क्लियर है सभी को, इवन जिनका फर्स्ट लेक्चर भी है, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, इवन जिनका फर्स्ट लेक्चर भी है उनको भी पता लग गया। ओके, सो नाउ आगे मूव करते हैं हम। अब बच्चे 7 × 4 करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास है ना 28 आता है, और जब हम प्लस करते हैं तो हम किसके साथ प्लस करते हैं, 2 को, जो इसका रिजल्ट आया होता है ना उसी के साथ ही प्लस किया, देखो। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले आपने इंटरसेक्शन परफॉर्म करोगे क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसका बच्चे जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ए कोई सेट होगा, बी कोई सेट होगा, कुछ एलिमेंट होंगे इनके बीच में है ना, ऐसे ही इंटरसेक्शन सी भी कोई सेट होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होंगे, जब हम बी और सी की इंटरसेक्शन कर लेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा ना, जिसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं हो, तो जब हम यूनियन करेंगे ना तो हम बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट के साथ ए की यूनियन करेंगे,
आप ऐसा ना करना कभी भी कि ए की यूनियन कर दो बी के साथ, नो दैट विल बी रॉन्ग। आपको क्या करना होगा, बी की इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी यूनियन करनी है फिर आपने ए के साथ, राइट? ओके, अटेंडेंस बच्चे करते जाओ सारे, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दो एक बार। सो आगे मूव करें, आप क्वेश्चंस पे जाएं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी समझाता जाऊंगा। सो इधर क्लियर? Yes, sir. बच्चे जो जो चीजें यहाँ बताई हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें गलती ना करना, और अगर इसमें अभी भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क। और जिनकी बच्चे कोई प्रॉब्लम आती है इन द जूम कनेक्शन, काइंडली आप अपने जो भी आपके टीचर क्लासेस लेते हैं उनमें से किसी भी एक टीचर को कॉन्टेक्ट कीजिए, अपनी ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, अदरवाइज आपकी क्लास का नुकसान होता जाएगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम कॉम्प्लीमेंट का करते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट में आपको एक सेट दिया होगा और एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, तो यहाँ नीचे से हम शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये नीचे से शुरू करते हैं। लेट्स से हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, यू का यू आपको जहां पे भी दिखा होगा दिया होगा ना, समझ लेना ये यूनिवर्सल सेट है। तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 सो ऑन, 10 तक एलिमेंट है इसमें, ठीक है? ये सो ऑन का मतलब ये नहीं है कि 3 के बाद सिर्फ 10 है, सो ऑन का मतलब है बीच में जैसे ये सीरीज चल रही है ना उसी सीरीज में आगे चलना है, यानी कि एक एक के डिफरेंस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बीच में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 तक सारे एलिमेंट है, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो अब लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9 और 10, ठीक है? इसको सेट बोलते हैं बच्चे, जिनका फर्स्ट लेक्चर है, सेट। कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट को लिखा हुआ है ये सेट है, ओके? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मेरे को यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है? ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप में से बच्चे कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे और इसका आंसर बताने की कोशिश करे, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ आपको। हाँ जी, 2, 4, 6, 8 ओके, वेरी गुड, 2, 4, 6, 8। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बच्चे ये सेट दिया हुआ है आपको ए, ये सेट आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस सेट ए में नहीं है, ठीक है? तो 1 को पहले हम देखेंगे, ठीक है? 1 को देखेंगे, अगर 1 ए में नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, लेकिन 1 देखो ए में है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आया। 2 को देखेंगे, 2 ए में नहीं है इसलिए 2 आ गया। 3, 3 ए में है इसलिए नहीं आया। 4, 4 ए में नहीं है इसलिए आ गया। 5, 5 ए में देखो है इसलिए नहीं आया। 6, 6 ए में नहीं है इसलिए इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया। इसी तरह बच्चे 7, 7 नहीं आया क्योंकि 7 ए में है। 8 आ गया क्योंकि 8 ए में नहीं है। 9, 10 नहीं आए क्योंकि वो ए में है इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आए। तो बच्चे सभी को ए कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट, आई एम गिविंग यू 20 seconds, मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद मैं 20 seconds दूंगा, यू कैन रेज योर डाउट्स। एनीवन, आपका कोई बच्चे अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो आई अज्यूम क्या आपको समझ आया? ओके, सो आई गेस आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया है इसका मतलब, है ना? सो लेट अस फाइंड समथिंग एल्स नाउ। एक और क्वेश्चन करें अब? यस सर। ओके, ये हमने रोस्टर फॉर्म से किया, अब हम एक सेट बिल्डर फॉर्म से करेंगे, ठीक है? आपको मैंने सेट दिया है ए,
एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन, ठीक है, एक्स इवन है हमारा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, x such that x belongs to natural number, x is odd. x is odd. x is odd. okay. so very good बच्चे। अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कि आप कहते होंगे कि पिछली बार जो सेट था उसमें तो एलिमेंट लिखे हुए थे, है ना? इसको बच्चे बोलते हैं सेट की रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जिसमें आपके जो सेट होते हैं उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो आपको दिखाई देगा, लिस्ट में दिखाई देगा। देखो एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है और दस है, दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे आपकी क्लास का मैं बोलूं, अगर BCA या कंप्यूटर डिपार्टमेंट का बोलूं, तो उसमें अगर मैं हर एक बच्चे को देख सकता हूं तो वो रोस्टर हो गया, है ना? ओके। और दूसरी फॉर्म होती है बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होता है, उसमें हम एक इंस्टांस लेते हैं एक्स वाई जेड। म्यूट कर लो बच्चे खुद को, जिनके बाद आ रही पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके। सो उसमें क्या होता है कि इंस्टांस दिया जाता है आपको, आप जरूरी नहीं एक्स ही लेना है, आप वाई लो, आप बी लो, आप एन लो, जो आपकी मर्जी है वो लो, लेकिन जो यहाँ पे ले रहे हो ना आप इंस्टांस वही यहाँ पे यूज करना, ठीक है? तो अब x belongs to, इस belongs to का मतलब होता है कि x जो है वो इस सेट का हिस्सा है, इस सेट का एलिमेंट है। belongs to का मतलब ये होता है कि x जो है वो n सेट का पार्ट है, ठीक, that's belongs to। और natural number बच्चे क्या होते हैं, natural number सारे आपके पॉजिटिव नंबर जो होते हैं फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, सो ऑन जाते ही जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो अभी आपके नेचुरल नंबर होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक इंस्टांस होता है और प्रॉपर्टीज होती हैं साथ में जो वो इंस्टांस सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स में वही एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करें और ऑड भी हों। तो वैसे तो इस सेट की अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चे, ऑड नंबर कौन से है नेचुरल, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, अप टू इनफिनिटी, इनफिनिटी तक, ठीक है। ऑड का मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। आपको बच्चे जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है ना उसी फॉर्म में ही आपको आंसर देना होता है। राइट जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में ही आपको आंसर देना होता है। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर लिखोगे। तो आगे मूव करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको आंसर देना होगा। तो ये देखो इसमें आपको यूनिवर्सल सेट तो गिवन नहीं है। आप बोलोगे कि यूनिवर्सल सेट तो सर गिवन ही नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कई बार आपको हो सकता है यूनिवर्सल सेट गिवन ना हो आप, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में ही आपको नजर आ जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे आपको कौन सा सेट नजर आ रहा है, नेचुरल नंबर। आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर ही आपका यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये जो सेट है ये वाला, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक, ये पूरे का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें आप देख लो कौन कौन से एलिमेंट है, वो सारे आ जाएंगे जो आपके ए में नहीं हो। तो आप देख सकते हो कि सारे ऑड नंबर तो ए में है लेकिन जो इवन नंबर होंगे वो नहीं है। तो आप कह सकते हो कि टू नहीं है, फोर नहीं है, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट में आ गया, सिक्स एट एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। लेकिन रिपीट कर दो। हाँ बच्चे कहाँ से रिपीट करें, यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से, यहाँ से।
हाँ जी सर। ओके, तो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन नहीं था, लेकिन जब आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है ना, तो कई बार आपको इनहेरेंटली क्वेश्चन में ही आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। जैसे यहाँ पर उसने कहा कि एक्स एक्स किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, तो मतलब यहाँ पे एक बड़ा सेट हो गया आपका नेचुरल नंबर, है ना, मतलब सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर वो वाले जो इवन होंगे, ठीक, नेचुरल नंबर जो इवन होंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन से हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए, इवन दिया हुआ था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऑड आए, तो ये आपका ए है, ठीक, और ये आपका इवन है। सो आई थिंक टू रिमूव एनी कंफ्यूजन हियर, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से दोबारा बताता हूँ। एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है ए, उसने बोला है इसमें क्या एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स ऑड, एक्स इज इवन, मतलब जो दो से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपने। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चे सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है कुछ, तो आपको वो यूज करना है। अगर नहीं दिया हुआ है, और कई केसेस में ऐसे होगा कि यूनिवर्सल सेट नहीं दिया होगा, और ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो आपने इसको यूनिवर्सल सेट मानना है। वन थिंग क्लियर, अब नेचुरल नंबर आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया, जो आपका सेट ए है उसमें आपके एलिमेंट आ गए 2, 4, 6, 8, सारे आ गए ना। अब आपने नेचुरल नंबर के वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं हो, जैसे कि 1, 1 नहीं है तो आपने लिख दिया, 2, 2 है ए में इसलिए नहीं लिखा, 3, 3 ए में नहीं है इसलिए लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये आपने उसकी रोस्टर फॉर्म तो बना ली, लेकिन क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में आया था, सेट बिल्डर फॉर्म में आया था, तो ये भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो एक्स, एक्स अभी भी क्या है, एक्स अभी भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन अब वो ऑड है, पहले इवन था, कॉम्प्लीमेंट होके वो ऑड हो गया। तो अभी किसी का डाउट है बच्चे तो पूछो। सर लास्ट से रिपीट करना एक बार, लास्ट से जब हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए बच्चे मैंने आपको बोला ही है कि किन स्टांस लेना है आपने, एक्स है ना, हाँ जी सर। वो आपने लिया, अब ये नंबर क्या है, ये नंबर अभी भी नेचुरल नंबर ही है ना, इसी का ही पार्ट है ना, इसी का ही तो पार्ट है, तो एक्स अभी भी नेचुरल नंबर ही है, और एक्स क्या है अभी भी अब ऑड हो गए हैं, वो वाले हो गए हैं 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड पूरे पूरे नहीं होते हैं। इज इट ओके, समझ आ गया? ओके, यस सर, ओके, होप सो आपका अब ये चीज तो क्लियर हो गई है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन आपका क्लियर हो गया है। एक और ऑपरेशन के क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन हम आज करते हैं। लेट से मैं आपको दो सेट देता हूं, अब यहाँ पे एक है सेट एक्स, इसमें एलिमेंट है 1, 3 और 5, और एक सेट है आपका वाई, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसकी मैं बोलता हूं कि यूनियन फाइंड आउट करो, एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करो। तो आप में से बच्चे कोई एक बच्चा अनम्यूट करे खुद को और बताए इसके यूनियन में क्या है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, आगे भी कुछ नहीं। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनियन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, क्लास खत्म होने वाली है आपकी, थोड़ा सी टाइम बचा है, तो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो अटेंडेंस कर दो, मैं एक मिनट बाद अटेंडेंस सेव करने वाला हूँ, तो एब्सेंट ना मार्क हो जाए आपकी। जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। तो अब मैं आपको
एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनियन होता क्या है। यूनियन बच्चे दो सेट में होता है, एक सेट आपका होगा एक्स या दूसरा सेट होगा आपका वाई, कोई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, दो सेट होंगे, दो सेट के बीच ही यूनियन होगा। तो यूनियन में बच्चे क्या होता है कि दो सेट की यूनियन में क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो एक्स सेट में होंगे आपके पहले सेट में होंगे, या वो दूसरे सेट में होंगे, या वो दोनों में होंगे, ठीक है। तो आपने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, पर रिपीट कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी बेसिक सेट की डेफिनेशन है कि सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो आपने पहले सेट से शुरू करना है, आपने देखना है कि वन है यहाँ पे, थ्री है यहाँ पे, फाइव है यहाँ पे, है ना। और फिर आपने इस सेट पे जाना है, यहाँ आपने देखना है कि वन है तो वन आना चाहिए, वन ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। टू, टू नहीं है इसलिए टू डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। थ्री ऑलरेडी आ चुका है, फोर नहीं है वो मैं डाल रहा हूँ, सिक्स नहीं है वो भी मैं डाल रहा हूँ। तो जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं करना है, और सारे एलिमेंट दोनों सेट के आने चाहिए, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो इज इट क्लियर। और आप बोलो, हाँ, और आप अगर ये बोल रहे हो कि हम ऐसे लिख देते हैं, अगर वन थ्री फाइव, फिर यहाँ टू लिख दें, फोर लिख दें, और फिर सिक्स लिख दें, ठीक है कि, हाँ जी ऐसे भी लिख दे, तो ये भी सही है वैसे तो, लेकिन जब आप चेक कर रहे होता है कोई, तो बाई मिस्टेक वो आपको समझ ले यहाँ से वो पढ़ते पढ़ते कि आपने टू तो मिस कर दिया, उसने आगे देखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक वो गया ही नहीं। यस बच्चे, सर अटेंडेंस कैसे लगानी है? बच्चे अटेंडेंस लगानी है, आपने अपना चैट में लिख, चैट में अपना नाम लिख दो और रोल नंबर लिख दो, वो आपकी अटेंडेंस है, ठीक है। जल्दी से लगा दो, एक मिनट रह गया है, ठीक। तो आप अगर चेक करते वक्त हम देख लें कि यहाँ पे टू नहीं है, तो मैं आगे देखूँ ही ना कि टू आपने लगाया हुआ है, असल में आपने तो सही किया हुआ है, लेकिन मैं गलती से उसको गलत कर सकता हूँ। तो बेटर भी आप क्या करो, आप एक ऑर्डर में, एक सीरीज में ही लिखा करो, ठीक है, अपने रिजल्ट को। सो नुसरत बच्चे बोलो, यू रेज्ड योर हैंड, अनम्यूट योर सेल्फ एंड बोलो। सर गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो बोलो, एक मिनट बाकी है बच्चे, सर जल्दी पूछो। इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल 16 देखना। इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल 16? सर इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल 16 देखना। ओके, वो आपको कुछ है, सेट ए और बी दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए माइनस ए। यस सर, ऑन पेज नंबर 26। चलो आप वहाँ आगे पहुँच गए हो, वेरी गुड, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं ना, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप इसको रेस करना, ठीक है, दोबारा से। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। चलो आज की क्लास आपकी खत्म हो रही है। हाँ जी सर, चैट सेव कर रहा हूँ, ठीक, ओके, योर चैट इज सेव और मीटिंग खत्म होने वाली। बच्चे बाकी के आपके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल आते ही हम लेंगे, ठीक है। यस सर, ओके।